हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल फैंटेसी ट्रिक। मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ टीम कंपैरिजन, पिच रिपोर्ट, टीम स्ट्रेंथ, टीम वीकनेस, प्लेइंग 11, टीम स्ट्रक्चर, प्लेयर रिसेंट परफॉर्मेंस, प्लेयर वेन्यू रिकॉर्ड्स, ग्रैंड लीग पिक एंड ग्रैंड लीग कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की गाइस। सो बने रहे इस वीडियो में। गाइज, आप बेटर एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.5x पे भी देख सकते हैं, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आईपीएल का अगला मैच जो कि 28वां मैच है गाइज, वो होगा पंजाब और हैदराबाद के बीच में, और ये मैच आज खेला जाएगा डीवाई पाटिल स्टेडियम पे 3:30 PM पे। आज दो मैच अगेन है, एक 7:30 PM पे है और एक 3:30 PM पे है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच के बारे में जो 3:30 PM पर होने वाला है। गाइज, हमेशा की तरह कल भी हमारे फैमिली से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अमाउंट विन किया, बस एक दो प्लेयर से ग्रैंड लीग मिस हो गया। कल के पहले मैच में मैंने जीएल पिक में तिलक वर्मा, एम एस टॉइंट्स, रवि बिश्नोई और मनीष पांडे को रखा था और चारों ही अच्छे पॉइंट्स दिए। और कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर जो मैंने बताया था उसमें केएल राहुल, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को बनाया था। बहुत सारे लोगों ने अपनी टीम में इन प्लेयर्स को रख के अच्छे से रोटेट किया और अच्छा अमाउंट विन किया। मैं उन लोगों को कांग्रेचुलेशन बोल रहा हूं जिन लोगों ने विन किया, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो लोग अच्छे खासे अमाउंट विन करे। गाइस, अगर उनका दिन हुआ तो वो जीएल भी विन कर जाएंगे। गाइस, कल जो सेकंड मैच था उसके मैच का वीडियो मैं बना नहीं रहा था, लेकिन हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया कि मुझे आज का वीडियो चाहिए ही चाहिए इस मैच का। मैंने बहुत कम टाइम में उन लोगों के लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर भेजा, जिसमें मैंने जीएल पिक और जीएल कैप्टेंसी, वाइस कैप्टेंसी के बारे में बताया और उसके कंटेंडर के बारे में बताया था। तो मैंने जो जीएल पिक उसमें दिया था गाइस, उसमें मोहम्मद सिराज, शरदुल ठाकुर, हेजलवुड और अक्षर पटेल को रखा था। और कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी की अगर बात करें तो उसमें मैंने वहां पे रिकमेंड किया था विराट कोहली को, मोहम्मद सिराज को, शरदुल ठाकुर को और डेविड वार्नर को। गाइस, कल के सेकंड मैच का भी जाकर अगर आप ड्रीम टीम देखेंगे तो आपको वही चार प्लेयर आपको नजर आएंगे जिसको मैंने जीएल पिक में बताया था। गाइस, और उन लोगों को भी कांग्रेचुलेशन यहां पे कहना चाहूंगा जिन्होंने कल के सेकंड मैच में अच्छा खासा विन किया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखें और वीडियो के अकॉर्डिंग ही अपना टीम क्रिएट करें। मैंने कल वीडियो में बताया था कि अनुज रावत अगर सेकंड इनिंग में आता है तो आपको जीएल पिक के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तब आप अपने टीम में इसे जरूर प्रेफर करें। और ऐसा ही हुआ भी, फर्स्ट इनिंग में उनकी बैटिंग आई और वो फ्लॉप कर गए गाइस, आउट हो गए। मैंने बोला था फर्स्ट इनिंग में वो नहीं चलेंगे, इसलिए गाइस वीडियो के अकॉर्डिंग ही अपना टीम क्रिएट करें, क्योंकि जब आप विन करते हो ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलती है। गाइस, ऑनेस्टली बता रहा हूं, बहुत खुशी मिलती है मुझे, तो इसलिए आप वीडियो के अकॉर्डिंग अपना टीम क्रिएट करें। अब चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूं यहां पे एक एक करके सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर मैच प्रीव्यू को जानते हैं, फिर हम जानेंगे पिच प्रिडिक्शन के बारे में, सॉरी पिच रिपोर्ट के बारे में, उसके बाद और भी चीजें जानेंगे जैसे कि हेड टू हेड रिकॉर्ड्स वगैरह। तो चलिए यहां पे अगर बात करें मैच प्रीव्यू की, तो यहां पर पंजाब किंग्स को है बैंक अग्रवाल अभी तक लीड कर रहा है और उसने टोटल 5 मैच खेले हैं पंजाब किंग्स ने, जिसमें से 3 विन किया है और दो मैच जो है वो हारा है। और अभी पॉइंट टेबल में इनकी अगर बात करें तो वो चौथे नंबर पे है पंजाब। वहीं अगर शिखर धवन की बात करें गाइस, तो वो अभी तक के पंजाब किंग्स के सबसे ज्यादा रन लेने वाले प्लेयर हैं इस आईपीएल सीजन में, 194 रन 5 मैच में उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर लियाम लिविंगस्टन दूसरे नंबर पर है इस टीम के लिए, 164 रन उन्होंने बनाए हैं। और अगर बॉलिंग की बात करें, राहुल चहर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर अभी तक के पंजाब किंग्स के। उसके बाद कजिसोर अवाडा और ओडेन स्मिथ भी उसके पीछे पीछे ज्यादा विकेट लेके चल रहे गाइस। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर हैदराबाद के, यहां पर थोड़े बहुत प्रीव्यू की। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद अभी पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर है और हैदराबाद ने भी अपना 5 मैच खेला है, जिसमें से 3 मैच लगातार वो पिछला जो है वो जीता है और शुरू का 2 मैच जो है वो हारा है गाइस। हैदराबाद के केन विलियमसन की बात करें तो वो अभी काफी अच्छे फॉर्म में नजर आते हैं। वहीं अगर टी नटराजन की बात करें तो वो भी डेथ में बॉलिंग बहुत गजब का कराते हैं और राहुल त्रिपाठी और एडन मार्करम भी बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ये था कुछ गाइस यहां पे हैदराबाद का प्रीव्यू। अब चलिए देख लेते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको फंटासी फील्ड में और भी ज्यादा एक्सपर्ट होना है, आपको अपने नॉलेज को गेन करना है, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। यहां पर लॉजिकल फंटासी ट्रिक हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है, आप वहां आए, मैं वहां पे फंटासी से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड ही पोस्ट किया करता हूं। आप इंस्टाग्राम पर आए और वहां हमसे आपके मन में अगर कोई किसी तरह का सवाल
सवाल है वो सवाल भी आप कर सकते हैं, और साथ में जो मैं वहां पे पोस्ट प्रोवाइड करता हूं उससे आपके फैंटासी करियर में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। तो वहां आए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वाकई वहां पे फॉलो करें मुझे, बस आप आए एक बार मेरा काम देखें, अगर आपको अच्छा लगता है अभी आप अपना डिसीजन ले गाइस। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पर पिच रिपोर्ट की। गाइस पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये जो डीवाई पाटिल स्टेडियम है यहां पर अच्छे बाउंसर्स जो है बाउंसर्स मिलते रहते हैं बॉलर्स को। वहीं अगर बात करें तो यहां पर जो स्कोर है वो 160 से 70 के बीच में लगभग दिखता रहता है स्टैंडर्ड जो है। और उसके बाद इस आईपीएल यहां पर 8 मैच हो चुका है, और इस 8 मैच का मैं यहां पे आपको थोड़ा बहुत रिपोर्ट बताता हूं कि कौन से मैच में किसने विन किया। तो यहां पर अगर बात करें तो पहले मैच की अगर बात करते हैं यहां पर, तो पहला और दूसरा मैच चेसिंग करने वाली साइड ने विन किया, तीसरा और चौथा मैच पहले बैटिंग करने वाली ने, फिर से यहां पर अगला दो मैच जो है वो चेसिंग विन किया, और उसके बाद फिर अगला दो मैच यहां पे पहले बैटिंग करने वाले ने विन किया। इस ऑर्डर को अगर देखें तो यहां पर जो फिल करने का अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो यहां पर ऑब्वियसली यहां पे फिल होगा चेसिंग साइड विन करने का। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर मैच जाता है तो यहां पे ज्यादा चांसेस है कि चेस करने वाली टीम जो है मैच को विन कर लेगा। जब चलिए यहां पर देख लेते हैं विकेट फॉल्स को, उससे पहले देख लेते हैं यहां पर एवरेज स्कोर को। तो पहले इनिंग में जो स्कोर बना है एवरेज ऑन एन एवरेज वो 160 से 170 का बना है, और दूसरे इनिंग में 150 से 160 का स्कोर बना है गाइस। विकेट फॉल्स की अगर बात करें गाइस टोटल 8 मैचेस में, तो पहले इनिंग में पेसर्स ने यहां पर 24 विकेट लिया और स्पिनर्स ने यहां पर 28 विकेट लिया। पहले इनिंग में देख सकते हैं यहाँ पे स्पिनर ज्यादा विकेट ले रहा है पहले इनिंग में। उसके बाद सेकंड इनिंग की बात करें तो सेकंड इनिंग में पेसर्स ने 33 विकेट लिया और स्पिनर ने 23 विकेट लिया। दोनों इनिंग की अगर बात करें तो दोनों इनिंग में 57 विकेट पेसर्स के खाते जाता है और 51 विकेट जो है स्पिनर्स के खाते जाता है। अब ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो हर मैच में यहां पर पेसर्स को जो विकेट मिलते हैं वो 7 से 8 विकेट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वही अगर स्पिनर को जो मिलता है 6 से 7 विकेट उन्हें भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। टोटल अगर फॉल्स ऑफ विकेट्स की बात करें पर मैच दोनों इनिंग्स की तो 13 से 14 विकेट है दोनों इनिंग्स में मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइस। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहां पर पेसर्स इज इक्वल टू स्पिनर्स, दोनों को लगभग सेम यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ओके गाइस यहां पे ओवरऑल पिच प्रेडिक्शन की अगर बात कर ले तो यहां पर इस मैच में जो स्कोर होने वाले हैं लगभग 160 से 180 के बीच में बनेंगे, और विकेट्स जो गिरने वाले हैं वो 10 से 12 विकेट गिरने वाले हैं गाइस। चलिए अब बात करें यहां पे हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर देखते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब के बीच में टोटल अभी तक 17 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से हैदराबाद 12 मैच विन किया है और बाकी के जो रिमेन बचते हैं मैच वो 5 मैच पंजाब ने विन किया है। हाईएस्ट स्कोर हैदराबाद का 212 रहा है और पंजाब का 211 रहा है, लोएस्ट स्कोर हैदराबाद का 114 रहा है और लोएस्ट स्कोर पंजाब का 119 रहा है गाइस। तो चलिए अब यहां पे दोनों टीम के प्रीव्यू के बारे में बात करते हैं, पर मैं आपको चाहूंगा कि प्लेइंग 11 के साथ में मैं आपको दोनों टीम्स के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करता चलूं ताकि आपको ज्यादा आसानी हो समझने में, और मैं प्लेइंग 11 में ही वहां पे इंक्लूड करता चलूंगा कि कौन से जीएल पिक में जा सकते हैं कौन से प्लेयर और कौन से प्लेयर को आपको कैप्टेंसी कंटेंडरशिप देना है गाइस। चलिए फ्रेंड्स अब बिना किसी देरी के सबसे पहले जान लेते हैं यहां पर प्लेइंग 11 को, और प्लेइंग 11 में सबसे पहले हम बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले प्लेयर यहां पर गाइस है केन विलियमसन, टेक्निकल बैट्समैन है, कंसिस्ट प्लेयर है, इस आईपीएल इन्होंने 5 मैच खेला और 5 मैच में 124 रन बनाए हैं 24 के एवरेज से। शुरुआत के 2 मैच में स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद के 2 मैच में ये अपने आप को बैक किए हैं और पिछले मैच में फिर से ये 17 रन बना करके आउट हो गए, ये फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। इस पिच पर इन्होंने 3 मैच खेले हैं और 35 के एवरेज से रन बनाया। बात करें इनके आईपीएल करियर की तो इन्होंने अपने आईपीएल करियर में 67 मैच में 39 के एवरेज से रन बना रखा है। इस टीम के अगेंस्ट इनका जो है 7 मैच हुआ है और 7 मैच में 39 के एवरेज से ये रन बनाए हैं और 140 का स्ट्राइक रेट इनका रहा है। इस टीम के अगेंस्ट ये खेलना बहुत पसंद करते हैं, हो सकता है इस मैच में ये अपने आप को बैक करें और एक बड़ी पारी खेल जाए। ड्रीम 11 पर चूंकि इनका जो है सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 7 है, 7% लोगों ने कैप्टन बना रखा है, तो आपके ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो सकते हैं, ग्रैंड लीग के कैप्टन के अच्छे कंटेंडर साबित हो सकते हैं। ये फास्ट बॉलर पर थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, कल के मैच के लिए बैटिंग वाले सेक्शन में आपके टीम में ये मस्ट हैव पिक रहेंगे गाइस। अगले प्लेयर है गाइस यहां पर अभिषेक शर्मा, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, इस आईपीएल 5 मैच खेले हैं जिसमें स्टार्टिंग के मैच में अच्छे लाइन में नजर नहीं आए, लेकिन लास्ट के 2 मैच में लगभग 75 और 42 रन का रेस्पेक्टिवली पारी ये खेले हैं, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि ये कुछ ओवर की बॉलिंग भी करा जाए। बात करें इनके आईपीएल करियर की, आईपीएल रिकॉर्ड की, तो इसने अपने आईपीएल करियर में 26 मैच खेला है जिसमें सिर्फ 21 के एवरेज से रन बनाए हैं। इस पिच पर 3 मैच खेल रखा है और 43 के एवरेज से रन बनाया है। इस टीम के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, इस टीम के अगेंस्ट इन्होंने 3 मैच खेला है और सिर्फ 17 के एवरेज से रन बनाया है। अगर इनके आईपीएल करियर के और करंट रन को कंपेयर करें तो इस मैच को मिलाकर इस सीजन ये 6 मैच खेलेंगे जिसमें इनका आईपीएल करियर के एवरेज के हिसाब से रन होना चाहिए 130, और ये इस आईपीएल रन बना रखे हैं अभी तक 139, तो अपने एवरेज से ये ऊपर चल रहे हैं। सेकंड इनिंग में इनकी बैटिंग आती है तो आप अपनी
टीम में इसे प्रेफर जरूर करे गाइज। नेक्स्ट प्लेयर है गाइज यहाँ पर राहुल त्रिपाठी, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, बैटिंग विकेट पर मोस्टली अच्छा खेलते हैं। इस आईपीएल 5 मैच खेला है और 5 में से लगातार 4 मैच में ये ड्रीम टीम के हिस्सा रहे हैं। अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, कंसिस्ट प्लेयर है और हर मैच में कुछ ना कुछ रन बना ही देते हैं। अपने पिछले मैच में कोलकाता के अगेंस्ट इन्होंने 35 बॉल में 71 रन बनाए थे जिसका स्ट्राइक रेट 191 था। ये उस मैच में ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन भी बने थे। इस आईपीएल इन्होंने 5 मैच खेले हैं और 5 मैच में 171 रन बनाए हैं 52 के एवरेज से। इनके आईपीएल करियर की अगर बात करें तो 26 मैच में 27 के एवरेज से रन बना रखा है और स्ट्राइक रेट आईपीएल में इनका 138 का होता है। इस पिच पर भी इनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। इस टीम के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। इस टीम के अगेंस्ट इन्होंने 8 मैच खेले और सिर्फ 22 के एवरेज से ही रन बना रखा है। जनरली ये पावर प्ले में अच्छा रन बना देते हैं। ये इनफॉर्म प्लेयर है तो आप सोचेंगे कि ये हमारी टीम में होने ही चाहिए, लेकिन ग्रैंड लीग जीतने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ता है और रिस्क ऐसे प्लेयर पर हमें लेना ही चाहिए और लिया ही जाता है। पर्सनली आपको मैं एडवाइस कर रहा हूं कि इस मैच में अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस प्लेयर को अपनी टीम से ड्रॉप करें, क्योंकि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी प्लेयर 4 या 5 मैच के ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं हो सकता, तो आप इसे अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं गाइज। अब चलिए अगले प्लेयर की बात करें यहां पर, तो निकोलस पूरन है गाइज, हार्ड हिटर बैट्समैन है, हमेशा अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। इस सीजन 5 मैच खेला है और 178 रन बनाए हैं। अपने आईपीएल करियर के 38 मैच में 23 के एवरेज से रन बना रखा है, लेकिन स्ट्राइक रेट इनका 152 का है, मतलब ये कम बॉल में ही ज्यादा रन बनाने का क्षमता रखते हैं और हमारी टीम में वैसे प्लेयर का होना बहुत मस्ट है जिनका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा हो गाइज। विकेट कीपर वाले सेक्शन में हमारी टीम में ये मस्ट है, पिक हो जाते हैं। इनके बल्ले से अभी तक जो है आईपीएल में कोई बड़ी पारी नहीं देखने को मिला है। वैसे इंपैक्ट वाले प्लेयर है, कभी भी अपने आप को अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखा सकते हैं। विकेट कीपर वाले सेक्शन में कल के मैच के लिए ये एक बेस्ट पिक होने वाले हैं गाइज। वही अगले प्लेयर है गाइज यहाँ पर एडेन मार्करम, टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, इंपैक्ट वाली इनिंग ये खेलते रहते हैं। इनके साथ दिक्कत ये है कि ये कंसिस्ट नहीं है, एक मैच में चलते हैं तो दूसरे मैच में नहीं चलते हैं। इस आईपीएल इन्होंने 5 मैच खेला है और 149 रन बनाया है और एक विकेट भी ले रखा है। लास्ट मैच में जबरदस्त 68 रन की पारी कोलकाता के अगेंस्ट खेलकर आ रहे हैं। इनका ग्राफ जे कर्व से चल रहा है, जे कर्व से ऊपर बढ़ रहा है। आप देखेंगे तो पहले मैच में इन्होंने परफॉर्मेंस किया, दूसरे में नहीं किया, तीसरे में फिर किया, फिर चौथे में नहीं किया, अगेन पांचवें में ये किए, मतलब जिगजैग वाला ग्राफ इनका चल रहा है। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये इस मैच में परफॉर्मेंस करने के इनके चांसेस हैं। अगर आप रिस्क टेकर हैं, हाईली रिस्क टेकर हैं, तो मैं बार बार आपको ग्रैंड लीग टीम बनाने के लिए फोर्स करता हूं कि प्लेयर को लेने से अच्छा हमें ड्रॉप किस प्लेयर को करना है, चीज हमें आना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखा है कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन वाला, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हमने उस वीडियो में समझाया है कि किसे ड्रॉप करना है और किसे इन करना है गाइज। वो वीडियो अभी आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, आप ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को देखना पसंद कर सकते हैं। तो उस लॉजिक के बिहाफ पर मैं अगर आपको ये सजेस्ट करूं तो यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस मैच में इसके चलने के चांसेस कम है, आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रिस्क लेकर इसे ड्रॉप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहां पे नेक्स्ट प्लेयर है यहां पे शशांक सिंह, टीम मैनेजमेंट लगातार इन्हें 3 मैच से खिला रही है, लेकिन 2 मैच में तो ये इसे ना तो बैटिंग मिली और ना ही इन्हें बॉलिंग मिल पाया। पिछले मैच में 1 ओवर की बॉलिंग दी थी टीम ने, लेकिन इन्होंने कुछ खास परफॉर्म अच्छा नहीं किया। ऑलराउंडर वाले सेक्शन में इससे अच्छे खिलाड़ी हैं तो आप उनके साथ जा सकते हैं, इसे आप इजीली ड्रॉप कर सकते हैं गाइज। वही बात करें यहां पर मार्को जैनसन की गाइज, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, आईपीएल में इन्होंने 3 मैच खेला है इंक्लूडिंग लास्ट मैच, 3 मैच में इन्होंने 3 विकेट लिया। पिछले मैच में भी ये अच्छी बॉलिंग कराए हैं, सिर्फ 730 की इकोनॉमी से इन्होंने बॉल फेंका है और अपने कोटे के 4 ओवर पूरा कराए हैं, 1 विकेट लिया, लेकिन ये ड्रीम टीम के मेंबर भी दिखे हैं। इस मैच में भी इसके अपने कोटे का पूरा ओवर कराने के हाई चांसेस है और पंजाब के पास राइट हैंडेड बैट्समैन ज्यादा है। अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो आपके जीएल की टीम में ये मस्ट है पिक होने वाले हैं गाइस। चलिए अगले प्लेयर है गाइस यहां पर भुवनेश्वर कुमार, अच्छे बॉलर है, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, कटर्स का यूज अच्छा खासा करते हैं, लेकिन ये उतने विकेट टेकिंग नेचर के नहीं है क्योंकि बैट्समैन इसके बॉल को रोक कर खेल लेते हैं। इस आईपीएल इन्होंने 5 मैच में 5 विकेट ले रखा है, अपने आईपीएल करियर में टोटल 137 मैच में 147 विकेट ले रखा है गाइस। इस टीम के अगेंस्ट इनकी अगर बात करें तो इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, इस टीम के अगेंस्ट ये 15 मैच में 23 विकेट ले रखे हैं। इनके तरफ से भी एक बड़ा परफॉर्मेंस अभी तक ड्यू है, हो सकता है कि इस मैच में कुछ बड़ा कर जाए तो इस मैच के लिए जीएल के अच्छे पिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये डेथ में भी बॉलिंग कराएंगे और अगर इनका फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग आता है तो ये आपके जीएल की टीम के लिए मस्ट है पिक रहेंगे गाइज। चलिए बात करते हैं वहीं गाइज वन ऑफ द मोस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस टीम, टी नटराजन की गाइज, बहुत ही टैलेंटेड बॉलर है, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करते हैं और यॉर्कर भी बहुत बढ़िया करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि विकेट टेकिंग बॉलर है। इस आईपीएल 5 मैच में टोटल 11 विकेट ले रखे हैं। बात करें इनके आईपीएल करियर की तो ये 29 मैच में 31 विकेट ले रखे हैं। इस टीम के
लेकिन दो मैच में दो विकेट मिले हैं। इस आईपीएल अपने पांच मैच में पांचों मैच में ड्रीम टीम का मेंबर रहे हैं गाइज, तो हाई चांसेस है कि ये इस मैच में सिर्फ एक विकेट ले या फिर ड्रीम टीम के मेंबर भी ना रहे। अगर आप ग्रैंड लीग का एक यूनिक टीम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे अपनी टीम में ड्रॉप करने का रिस्क जरूर ले। अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो आप इसे रख सकते हैं, अगर सेकंड इनिंग में इनकी बॉलिंग है तो आप इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं गाइज। वही बात करें अगर यहां पर उमरान मलिक की, गाइज टैलेंटेड बॉलर है, इकोनॉमी रेट तो इनका अच्छा नहीं होता है और उसी इकोनॉमी खराब के वजह से इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईपीएल का पांच मैच अभी तक खेला है और पांचों में इन्हें विकेट मिला ही है। कोलकाता के अगेंस्ट इन्होंने अच्छा बॉलिंग कराया और दो विकेट लिए। पिछले मैच में इन्हें डेथ में बॉलिंग भी नहीं मिला था। वैसे इनफॉर्म प्लेयर है, विकेट टेकिंग नेचर के हैं, आप इसे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं गाइस। चलिए अब बात कर ले यहां पर जगदीश सचित की गाइस। गेंदबाज तो अच्छे हैं लेकिन उतने विकेट टेकिंग नेचर के नहीं है। इस आईपीएल में पहला मैच कोलकाता के अगेंस्ट खेले जिसमें एक विकेट भी मिला, वैसे ये विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है तो आप इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं गाइस। चलिए अब बात करते हैं यहां पर ओपन और डेथ बॉलर की गाइस। तो यहां पर ओपनिंग कराएंगे भुवनेश्वर कुमार और मार्को जैनसन, उसके बाद डेथ में बॉलिंग कराएंगे भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन गाइस। चलिए अब देख लेते इसमें बॉलर के सेक्शन को गाइस, जिसमें मैं बताता हूं कि कौन सा बॉलर पूरे चार ओवर बॉल फेंकेंगे और किस बॉलर के खाते सबसे ज्यादा विकेट गया है इस टीम के लिए। तो यहां पर अगर बात करें तो अभी तक इस टीम ने पांच मैचेस खेले हैं, पहला राजस्थान, दूसरा लखनऊ, तीसरा चेन्नई और चौथा गुजरात और पांचवा केकेआर के साथ। उन पांचों मैचेस में अगर देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं गाइस टी नटराजन, जैसा कि मैं आपको बताया टोटल 11 विकेट लिए हुए हैं पूरे चार ओवर बॉल कराते हैं। वहीं अगर भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार भी पूरे चार ओवर बॉल कराते हैं और टोटल पांच विकेट अपनी टीम के लिए अभी तक ले रखा है। वहीं अगर उमरान मलिक की बात करें वो भी पूरे चार ओवर बॉल कराते हैं और उन्हें भी पांच विकेट सफलतापूर्वक हासिल हुआ है। उसके बाद जे सचित एंड मार्को जैनसन की बात करें तो ये दोनों मिलाकर दो दो ओवर या एक तीन का के रेशियो में बॉल फेंक सकते हैं और दोनों को एक एक विकेट मिला है गाइज। एडन मार्करम की बात करें तो एडन मार्करम भी पूरे चार ओवर बॉल फेंके हैं लेकिन एक ही विकेट इनको अभी तक मिल पाया है गाइज। ये था कुछ गाइज हैदराबाद का प्लेइंग 11। अब मैं चलता हूं आपको बताता हूं ओपोनेंट टीम के प्लेइंग 11 के बारे में। चलिए गाइज अब देख लेते हैं यहां पर ओपोनेंट टीम यानी पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले प्लेयर यहां पर गाइज है मयंक अग्रवाल, टैलेंटेड बैट्समैन है, इंपैक्ट वाले प्लेयर है। इस आईपीएल पांच मैच में 18 के एवरेज से सिर्फ 94 रन बनाया है गाइज। इनकी अगर बात करें तो इस आईपीएल के पहले मैच में इन्होंने कुछ रन बनाया, उसके बाद के तीन मैच में ये लगातार फ्लॉप रहे, लेकिन लास्ट मैच में जो मुंबई के अगेंस्ट था उसमें इन्होंने अच्छा नॉक 52 रन का खेला। बात करें इनके आईपीएल करियर की तो ये अपने आईपीएल करियर में 105 मैच खेले हैं और 23 के एवरेज से रन बनाया है। इस टीम के अगेंस्ट इनका परफॉर्मेंस एवरेज है, 23 मैच खेले हैं और 18 के एवरेज से रन बनाया है। इनफॉर्म प्लेयर है तो इस मैच में भी इनके 25 से 30 रन का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बैटिंग आती है तो बैटिंग वाले सेक्शन से आपके लिए ये मस्ट पिक हो जाते हैं गाइज। चलिए बात करते हैं यहां पर शिखर धवन की गाइज, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है। इस आईपीएल इन्होंने 5 मैच खेला है और 197 रन बनाया है 40 के एवरेज से। इस टीम के अगेंस्ट लगभग 8 मैच खेला है और सिर्फ 27 के एवरेज से इन्होंने रन बनाया है। इस टीम के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड सिर्फ एवरेज है, ज्यादा बेटर है नहीं। तो ये पांचों मैच में ड्रीम टीम के मेंबर भी रहे हैं और लास्ट मैच में ये ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन भी रहे हैं। तो बैटिंग वाली सेक्शन में आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक साबित हो सकते हैं गाइज। ये बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पर जॉनी बेरस्टो की गाइज, हार्ड हिटर बैट्समैन है, इंजरी से आए थे, स्टार्टिंग के दो मैच में स्ट्रगल कर रहे थे, इनका बल्ला चला नहीं है, लेकिन यकीन मानिए कि ये कभी भी बड़ी पारी खेल सकते हैं और इस मैच में विकेट कीपर वाले सेक्शन में इससे एक अच्छे खिलाड़ी नजर आ नहीं रहे हैं क्योंकि ये तीन नंबर पर आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। बात करें आईपीएल करियर की इनकी तो इन्होंने अपने आईपीएल करियर में 30 मैच में 40 के एवरेज से रन बनाए हैं और 140 का आईपीएल में स्ट्राइक रेट इनका होता है। इस मैच में ये आपके टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं और इस मैच में इनके चलने के चांसेस हाई है, आप अपनी जीएल की टीम में इसे वाइस कैप्टन के भी कंटेंडर बना सकते हैं गाइस। अब चलिए बात कर लेते हैं यहां पर लियाम लिविंगस्टन की गाइस, बहुत ही टैलेंटेड ऑलराउंडर है, इस आईपीएल अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, इंपैक्ट वाली इनिंग खेलते रहते हैं। इस आईपीएल पांच मैच में 164 रन और दो विकेट ले रखे हैं। इस आईपीएल से पहले इनका आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस रहता नहीं था, हमेशा ही अच्छे स्ट्राइक रेट से ये खेलते हैं, मतलब अगर 5-6 ओवर भी टिक गए तो 50 रन इनके लिए बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इस मैच में ऑलराउंडर वाले सेक्शन से आपकी टीम में मस्ट पिक होने वाले हैं गाइस। चलिए वहीं अब बात करते हैं जितेश शर्मा की गाइस, बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन है, हार्ड हिटर है, इन्होंने 3 मैच खेला है और 39 के एवरेज
से 79 रन बनाए हैं, लेकिन इनके साथ परेशानी यह है कि इसको इनको जो बैटिंग ज्यादा नहीं मिलता है, और विकेट कीपर वाले सेक्शन में आपके पास दो ऐसे प्लेयर अवेलेबल हैं जो अच्छा इनिंग कभी भी खेल सकते हैं, तो आप अपनी टीम से जीएल की टीम से इसे ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं गाइज। वही अगले प्लेयर की बात करें गाइज, यहां पर तो शाहरुख खान है, अच्छे हिटर है, मोस्टली 6 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, तो आप इसे उस टीम में ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप पंजाब के टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर रहे हैं, जिसमें आपका ख्याल ये है कि पंजाब का टॉप ऑर्डर जो है वो क्लैप्स कर सकता है। इस आईपीएल 5 मैच खेला है और 5 मैच में सिर्फ 60 रन बना रखे हैं। अपने आईपीएल करियर में भी इनका कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, 16 मैच में 19 के एवरेज से इन्होंने रन बना रखा है, तो बैटिंग सेक्शन से इससे भी अच्छे प्लेयर आपको दिखाई देंगे, आप इसे आराम से ड्रॉप कर सकते हैं गाइज। नेक्स्ट प्लेयर है गाइज यहां पर ओडेन स्मिथ, विकेट टेकिंग बॉलर है और अगर इनको बैटिंग मिल जाता है तो ये थोड़ा बहुत रन भी बना लेते हैं, इनको डेथ में भी बॉलिंग मिलता है और ये अच्छा खासा विकेट लेकर चले जाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले मैच में कहा था कि ये जीएल के एक बहुत अच्छे पिक होने वाले हैं और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने जिनका मैसेज आया इनको अपनी टीम में रखा भी और बहुत सारा विन भी किया, लेकिन ये कंसिस्ट प्लेयर नहीं है, एक मैच में चलते हैं दूसरे में नहीं चल पाते हैं और हमेशा इन्हें डेथ में बॉलिंग भी नहीं दिया जाता है। आपने अगर मैच देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये डेथ में ही बॉलिंग कराकर 3 विकेट लेकर चले गए थे, तो कल के मैच के लिए इनसे अच्छे पिक बॉलिंग सेक्शन में आपको दिखाई देंगे, तो आप इसे उसे प्रेफर करें, इसे आराम से आप ड्रॉप कर सकते हैं गाइज। अब वहीं बात करें यहां पर कजिसो रबाडा की गाइज, विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं, एक्स्ट्रा पेस जनरेट करने के माहिर हैं, अच्छे लाइन लेंथ में बॉल फेंकते हैं। इस आईपीएल 4 मैच में इन्होंने 6 विकेट ले रखा है। बात करें इनके आईपीएल करियर की तो इन्होंने अपने आईपीएल करियर में 54 मैच में 82 विकेट ले रखे हैं अभी तक। इस टीम के अगेंस्ट इनकी अगर बात करें तो 8 मैच खेला है जिसमें 14 विकेट ले रखे हैं अभी तक, इनके तरफ से भी कोई बड़ा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दिया है, तो हो सकता है कि ये इस मैच में आपको 3 विकेट लेते हुए नजर आए, क्योंकि ये डेथ में बॉलिंग करते हैं और डेथ स्पेशलिस्ट है। अगर फर्स्ट इनिंग में इनका बॉलिंग आता है तो आप अपनी टीम में इसे कैप्टन के भी कंटेंडर मान सकते हैं गाइस। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पे राहुल चहर की गाइस, विकेट टेकिंग नेचर के लेग स्पिनर हैं, ये जनरली विकेट ले ही लेते हैं। आईपीएल 5 मैच में 7 विकेट ले रखे हैं, अपने आईपीएल करियर के लगभग 47 मैच में 50 विकेट लिया हुआ है इन्होंने। इस टीम के अगेंस्ट 4 मैच में 5 विकेट ले रखा है, आपकी टीम में ये मस्ट हैव पिक होने वाले हैं गाइस। वहीं चलिए अगर बात करते हैं यहां पर वैभव अरोड़ा की गाइस, बॉलर बहुत अच्छे हैं, स्टार्टिंग के ओवर में अच्छा बॉल फेंकते हैं और जनरली पावर प्ले में अपना 3 ओवर कर चुके होते हैं और पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस कम होते हैं। आईपीएल मैच में 3 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग नेचर के है नहीं, तो आप इसे आराम से अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। हां, आपके जीएल की टीम के लिए ये कल के मैच में एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं गाइस। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लेयर की गाइस, यहां पर अर्शदीप सिंह है गाइस, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, यॉर्कर अच्छा करते हैं, कटर्स का यूज भी अच्छा खासा कर लेते हैं, लेकिन इतने अच्छे बॉलर होते हुए भी इस आईपीएल में इन्हें अभी तक कुछ खास विकेट नहीं मिल पाया है। इस आईपीएल 5 मैच में 2 विकेट ले रखे हैं सिर्फ। इस प्लेयर को स्टाफ टूर्नामेंट का अनलक्की बॉलर कहना कुछ गलत नहीं होगा, इतनी अच्छी बॉलिंग एबिलिटी होते हुए भी इन्हें विकेट नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है कि जनरली ये टीम फर्स्ट इनिंग में ही बैटिंग किया है और चेजिंग के टाइम पर बॉलर को स्टार्टिंग के ओवर में ही इन्हें ओवर दे दिया जाता है बैट्समैन पे, यहां पे ओपोनेंट टीम पर प्रेशर बनाने के लिए बैट्समैन इनके बॉल को रोक कर खेल जाते हैं, इसलिए इनका परफॉर्मेंस इस सीजन अच्छा तो है लेकिन विकेट ज्यादा नहीं मिल पाया है। बात करें इनके आईपीएल करियर की तो इन्होंने 28 मैच में 32 विकेट ले रखे हैं, इस टीम के अगेंस्ट 5 मैच में 7 विकेट लिया हुआ है। कल के मैच के लिए ये एक इंपॉर्टेंट जीएल के पिक होने वाले हैं, अगर फर्स्ट इनिंग में इनकी बॉलिंग आती है तो ये ग्रैंड लीग कैप्टन के भी कंटेंडर हो सकते हैं गाइस। अब चलिए देख ले जरा कि ओपनिंग में कौन बॉलिंग करेंगे और डेथ में, तो ओपनिंग में वैभव अरोड़ा और कजिसो रबाडा बॉलिंग कर सकते हैं, उसी ओवर में बॉलिंग कराने जा सकते हैं कजिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह गाइस। अब चलिए मैं आपको साथ में बता दूं कि इस टीम के लिए कौन से बॉलर हैं जो सबसे ज्यादा विकेट्स ले चुके हैं अभी तक और कौन से बॉलर पूरे 4 ओवर बॉल फेंकेंगे। तो यहां पर अभी तक इस टीम का 5 मैच हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। इस बात करें अगर यहां पर प्लेयर्स की तो ओडेन स्मिथ, कजिसो रबाडा, राहुल चहर और वैभव अरोड़ा और अर्शदीप सिंह लगभग 4-4 ओवर बॉल कराएंगे। ओडेन स्मिथ की बात करें तो अपनी टीम के लिए टोटल 6 विकेट अभी तक ले चुके हैं वो, कजिसो रबाडा 6 विकेट लेते हुए नजर आ चुके हैं, राहुल चहर की बात करें तो टोटल अभी तक 7 विकेट अपनी टीम के लिए ले चुके हैं, वैभव अरोड़ा 3 विकेट लेते हुए नजर आए हैं और उसके बाद अर्शदीप सिंह की बात करें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सिर्फ 2 विकेट अभी तक ये ले चुके हैं। ओवरऑल अगर देखें तो सबसे ज्यादा विकेट्स लेते हुए यहां पर राहुल चहर नजर आ रहे हैं गाइज, जो अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ले चुके हैं गाइज। तो ये था कुछ गाइज दोनों टीम्स का प्लेइंग 11 जिसमें मैंने आपको प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस को बताया जिसके हेल्प से आप अपना ड्रीम टीम क्रिएट कर पाए।
गाइस कैसा लगा ये वीडियो? आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके फ्रेंड सर्किल में जो दोस्त है जो फैंटासी खेलते हैं, जो अपना फैंटासी खेलते हुए अपना होप खो चुके हैं, जो उदास रहते हैं, उनकी उदासी को खत्म किया जा सकता है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि आपके दोस्त भी एक अच्छा टीम क्रिएट कर पाए और आपको थैंक्स बोल पाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो और कोई आपके सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको श्योरली वहां पे रिप्लाई करूंगा। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट गाइस, तो आपको कमेंट जाके जरूर करना है। बेहतर है कि आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप उसे क्वेश्चन करें, मैं आपके प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय-बाय।